हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बच्चों के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान निम्नतम मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। दिए गए अंतराल में इसका मतलब है कुछ, दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हम समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे fx इक्वल टू माना fx इज इक्वल टू 2x का पावर 3 -24x +107। सबको पता आप क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा भाई हमें, f dash x बराबर क्या लिखेंगे, पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि 6x² - 24। बात समझ में आई। फिर हम निकालते हैं चरम बिंदु, चरम बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, f dash x = 0 पुट करते हैं, यानी कि 6x² - 24 = 0 हमें मिलेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x² - 6 = 12 + 18 = 24। तो x² - 4 = 0 मिला हमें, यानी कि x² - 4 = 0 हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो x² = क्या मिला हमें, 4 मिला, यानी कि x के हमें दो मान मिले यहाँ से, +-2, एक तो +2 मिला और एक -2 मिला। अब अंतराल देखो ध्यान से, उसने कहा x belongs to 1, 3, इसका मतलब x = 2 तो हो सकता है, लेकिन x is not equal to -2। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि x belongs to कहाँ है, 1, 3 है, क्लोज ब्रैकेट में 1, 3, तो 1, 3 में -2 नहीं आता है, तो x -2 के बराबर नहीं होगा। अब हमने बात की थी इस लाइन की कि दिए गए अंतराल में का क्या मतलब है, तो हमें निरपेक्ष अधिकतम और निरपेक्ष न्यूनतम की बात हमने जब की थी, तो हमने क्या कहा था कि हमें दिए गए अंतराल के अंतिम बिंदुओं पर और जो चरम बिंदु होता है उस पर हम चेक करते हैं कि कहाँ पर हमें अधिकतम कहाँ पर हमें न्यूनतम मान मिलता है। तो इसका मतलब वही है कि हमें निरपेक्ष अधिकतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करना है। बात समझ में, दिए गए अंतराल में इसका मतलब कि हमें 1 पे चेक करना होगा, 3 पे चेक करना होगा और इस चरम बिंदु 2 पर भी चेक करना होगा, इस वाले पे, ठीक है ना। तो x बराबर 1 पर क्या देखेंगे कि fx हमें क्या मिल रहा है ना, f1 हमें क्या मिल रहा है, तो रखेंगे इसके अंदर 1, ठीक है ना, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। तो क्या लिखेंगे, 2 1 का पावर 3 -24 × 1 + 107, इट मीन्स 2 - 24 + 107, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 109 - 24, माइनस करो 109 24 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 10 में 2 गए तो 8 85 हमें मिला, सही है ना। तो क्या मिल गया हमें, 85, कहाँ पर, F1 पर। इतनी बात हमारे समझ में आई। फिर हम निकालेंगे x = 2 पर, क्या लिख रहे हैं, x = 2 पर F2 का मान कितना आएगा, तो 2 × 2 का पावर 3, जहाँ पर हमें x मिलेगा वहाँ पे हमें 2 पुट करना है, 107, ठीक है ना। तो सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 2 × 8 - 8 + 4 + 107, और ये हो जाएंगे हमारे 16 - 48 + 107, इसका मतलब ये हो जाएंगे 123 - 48, ठीक है ना। 6 × 7 = 13 हासिल का 1 + 1 = 2 + 0 = 2 और 1, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब 123 - 48 करेंगे तो 8 × 5 = 13, यहाँ बच गए 11, 11 में से 4 गए तो 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, तो 75 हमें ये मिल गया। F2 का मान कितना मिला हमें भाई, F2 का मान मिला हमें 75। तो अभी हम निकालेंगे, जब हम F3 निकालेंगे, x = 2 पर निकाला, x = 3 पर जब हम F3 का मान निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कहाँ पर हमें अधिकतम निरपेक्ष अधिकतम कहाँ पर हमें न्यूनतम मिलेगा। तो x = 3 पर हम चेक कर रहे हैं कि F3 का मान कितना मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 का पावर 3 -24 × 3 + 107, तो ये हो जाएगा 2 × 27 -2 × 1 = 3 × 6 = 7 +107, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4
माइनस 72 प्लस 107, इनको ऐड करो तो ये मिलेगा आपको 7 4 11, यानी कि 161 माइनस 72, ठीक है ना। माइनस करो 161 माइनस 72 कितना मिलेगा, 9 और 2 11 होते हैं, यहाँ कितने बचेंगे 15, और ये हैं 7, यानी कि 5 और 3 8, 89 हमें मिला। ये हमें कितना मिल जाएगा भाई, 89 F3 का मान। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं, ये हमें मिला, तीन वैल्यूज हमें मिली, तो सबसे निम्नतम मान मिला हमें 75। तो क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 पर फलन fx का निम्नतम मान 75 होगा, तथा x बराबर कितने पर मिल रहा है, अधिकतम 3 पर, x बराबर 3 पर फलन fx का अधिकतम मान बराबर 89 होगा। बात समझ में आई, किस तरीके से सॉल्व किया, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें फंक्शन को मान लेना है fx के बराबर, उसका अवकलन करेंगे, f(x) निकालेंगे, फिर चरम बिंदु निकालेंगे, f(x) = 0 पुट करके वहाँ से हमें x का मान मिलेगा, और वो देखेंगे कि x का जो वैल्यू हमें मिला है वो इस इंटरवल में है या नहीं, अगर नहीं है तो उसे निकाल देंगे, जो रहेगा उसको हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ से -2 नहीं था तो निकाल दिया, 2 है तो ले लिया। फिर हमें अगर वो पूछे दिए गए अंतराल में अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, या फिर वो कहे कि निरपेक्ष अधिकतम, क्या कहे कि निरपेक्ष अधिकतम या न्यूनतम, निरपेक्ष का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। तो क्या कहा, निरपेक्ष अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोले या बोले दिए गए अंतराल में अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें इन एंड पॉइंट पर, यानी कि जो अंतराल हमें दिया गया है उसके अंतिम बिंदुओं पर, और जो हमें चरम बिंदु मिला है उस पर हमें चेक करना होगा कि फंक्शन का अधिकतम मान कहाँ मिलेगा और न्यूनतम मान कहाँ मिलेगा। बस समझ भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड का बी पार्ट, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, सेम काम हमें करना है क्वेश्चन में। हमें पहले फंक्शन को मानना है fx, उसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर हम चरम बिंदु निकालेंगे। चरम बिंदु जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या वो चरम बिंदु इस अंतराल में है, अगर है तो वो चरम बिंदु लेंगे, अगर नहीं है तो वो चरम बिंदु हटा देंगे, ठीक है ना। फिर इन एंड पॉइंट्स पर और उन चरम बिंदुओं पर हमें चेक करना होगा कि फंक्शन कहाँ पर अधिकतम मान देता है और कहाँ पर न्यूनतम मान देता है। तो सेम प्रोसेस है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना fx बराबर 3x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा भाई हमें, f(x) मिलेगा। कितना, 4 3 12, x का पावर 3, पावर आगे आया और एक कम हो गया, ठीक है ना। माइनस 3 2 6, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, 1 का हो जाएगा 0। इतनी बात समझ भाई, ठीक है ना। फिर लिखेंगे चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए क्या करते हैं हम, f(x) बराबर 0 पुट करते हैं। सो 12x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब देखो इस सम में हमें 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मींस 2x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसमें x बराबर 1 2 3 या -1 -2 -3 पुट करके देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे जीरो होगा, x बराबर 1 पे जीरो होगा या x बराबर 2 पे जीरो होगा या x बराबर 3 पे जीरो होगा। अगर ये फंक्शन x बराबर 1 पे जीरो होता है तो x मन को उधर लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा तो x माइनस 1 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इसमें, समझते हैं किस तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो ये 2 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। देखो क्या हुआ, ये दोनों सारे कट गए, क्या मिल गया, ये 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x माइनस 1 एक फैक्टर होगा तो 2x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में हम भाग देंगे किसका, x माइनस 1 का। ये हमारा काम रफ कॉपी का है, नहीं फेयर करना चाहो तो फेयर भी कर सकते हैं, वैसे यह काम हमारा रफ कॉपी का है।
चलिए हम इसके बाद आइडली वो फैक्टर्स निकाल के रख सकते हैं कि ये हमारे फैक्टर आए। चलो भाग देते, पहले कितनी बार जाएगा, 2x² बार जाएगा, 2x² बार जाएगा ना। देखो 2x² का मल्टीप्लाई करो, इससे कितना मिलेगा, 2x³ और माइनस के 2x² कितना मिला, माइनस के 2x². अब साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, प्लस का x², माइनस का 2x उतार लो, प्लस का 1 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, देखो ध्यान से, x बार जाएगा, तो प्लस लिखेंगे x, x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x² माइनस x, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का x प्लस का 1। अब ये हमारे माइनस 1 बार जाएगा, भाई माइनस 1 करेंगे तभी तो माइनस x मिलेगा। इस x वाले को देखना है हमें, है ना, हमने यहाँ पर x कैसे लिया, यहाँ पे हमें x² चाहिए तो हमने x लिया, क्योंकि x का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² मिलेगा। उसी तरह से हमें यहाँ माइनस x चाहिए, तो माइनस x कब बनेगा, ये जब इसका माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1, सिंपली 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना, प्लस 1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते समय साइन चेंज करेंगे, मतलब घटाने पर ऐसा बोलते हैं हम, तो x से x कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए, ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो इस लाइन के इसके फैक्टर हो गए हमारे पास क्या, एक तो हो गया x माइनस 1 और एक हमें मिलेगा x 2x² 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस वाली वैल्यू के हमने फैक्टर्स किए, इतनी बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये इनर इक्वेशन है, तो सिंपली क्या बोलेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए माइनस 2x² और सम करने पर चाहिए प्लस का x। इसका मतलब फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1 ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई x प्लस 1 कॉमन निकाला दोनों में से, तो क्या बच गया, 2x माइनस 1 बच गया। तो अब यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, और यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 1। अब देखो इंटरवल क्या है, इंटरवल है 0 से लेकर 2। तो x बराबर माइनस 1 नहीं होगा, उसका रीजन क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू क्या है, 0, 2, माइनस 1 आएगा नहीं इस अंतराल में, अगर नहीं आएगा तो उसे हम हटा देंगे। तो तीन पॉइंट हमें मिले, तीन के चार मिल गए। चार पॉइंट कौन कौन से मिले, कि x बराबर 0 पर, 1 पर, 1/2 पर, और 2 पर हमें चेक करना होगा कि फंक्शन का अधिकतम मान और निम्नतम मान हमें कहाँ मिलेगा। चलिए तो x बराबर 0 पर देखते हैं, x बराबर 0 पर f 0 मिलेगा, फंक्शन ये रहा, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पर x के स्थान पे क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है, तो f 0 लिखेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, क्या मिल गया, 1। या फिर आप ऐसे लिख लो, 0 - 0 - 0 प्लस 0 + 1 इक्वल टू 1, f 0 का मान हमें मिला 1। बात समझ में आई। उसी तरह से अब x बराबर 1 पर क्या लिखेंगे, f 1 लिखेंगे, f 1 बराबर, देखो ध्यान से, 3 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा, प्लस 6 मिलेगा, और मिलेगा प्लस 1। समझ में आ रही है ना बात, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, ये मिल गया हमें 1 और ये मिल गया 1, यानी कि 1 प्लस 1 मिला, f 1 इक्वल टू हमें मिल गया फाइनली 2। फिर अब किस पे निकालना है हमें, 0 पे हो गया, 1 पे हो गया, 1/2 पे, तो x बराबर 1/2 पर चेक कर रहे हैं, f 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। चलो रखो 3, फंक्शन यही है ना, हाँ, क्या लिखेंगे, 3 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, माइनस 2 1/2 का पावर 3, माइनस 2 1/2 का पावर 3, ठीक है, माइनस 6 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 1/2 एंड प्लस 1, सॉल्व करना है इसको, 3 इंटू, अब देखो 2 का पावर 4 है ना, कितना हो जाएगा, 16, तो 3/16 में से डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा, माइनस 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, तो 2/8 लिखा है इसको, माइनस ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा प्लस 1, जो कट रहा है उसे काटेंगे, जो नहीं कट रहा उसको सेम लिख देंगे, तो 3/16 माइनस 1/4 माइनस 2 से काट दो उसको, 3/2 हो जाएगा ये,
और ये प्लस थ्री हो गया, ये हो गया प्लस वन। इन दोनों को मैं फोर लिख दूंगा, है ना, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। फोर माइनस थ्री बाई टू प्लस इसको मैंने लिखा फोर। अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना, है ना, ध्यान से उतारना कैसे सॉल्व किया है। यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम आ रहा हमारे पास 16, यानी कि एफ टू, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, एफ वन बाई टू इक्वल टू, मैं एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें 16, 16 ले लिया, यहाँ मिल गया 3, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, क्योंकि 4 चार चौका 16, तो माइनस 4। एलसीएम लेना सबको आता ही है, मैं बस चेक कर रहा हूँ। तो दो नाम, दो अट्ठे 16, 8 3 24, और यहाँ मिलेगा हमें कितना, 16, 16 चौका 64, इस तरीके से, ठीक है ना। तो 64 और 3 हो गए ये 67, प्लस ये हो जाएंगे, सॉरी माइनस ये हो जाएंगे आपके 28 अपॉन 16। तो 67 माइनस 28 करो, ठीक है, ठीक है ना। तो 8 में से 17, 17 में से 8 निकालने हैं, तो 2 ये 7 वो 9, ठीक है ना। और यहाँ बचे कितने, 5, 5 में से 2 गए तो 3, तो 39 अपॉन 16 हमें मिला F1/2। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे x बराबर किस पर, 2 पर। x बराबर 2 पर F2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 3, 2 का पावर 4 माइनस 2, 2 का पावर 3 माइनस 6, 2 का पावर 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करो, 3 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 13, लिखूँ इसको डायरेक्ट, है ना, 13 लिखा है, देख लेना आप, 6 दूना 12 प्लस 1 13, 16 दूना 32, 16 16 48, मैंने 8 दूना 16, मैं 6 का 24 प्लस 13, देखो बच्चों वाले काम है, यहाँ आपके काम है, मैं कर रहा हूँ। चलो 48 प्लस 13 करना है, तो 8 और 3 11, 1 2 हो गए, 4 6 हो गए, माइनस 16, और ये तो सिंपली आप बोल सकते हो इसको 40, ना 40, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 60 में से 40 माइनस किए तो हमें मिले 20, प्लस 1 ऐड कर दो तो 21, यानी कि F2 का मान हमें मिल गया 21। तो ये वैल्यूज मिली, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वैल्यूज को, एक तो ये वाली मिली, एक F1 मिला हमें, एक मिल गया हमें F1/2, और एक हमें मिल जाएगा F2। अब देखो इसमें से हमें निम्नतम और अधिकतम मान देखना है, तो निम्नतम मान तो क्लियरली दिख रहा 1 होगा, अधिकतम मान क्लियरली दिख रहा है कितना होगा, 21 होगा। तो क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं बचा हुआ, आप कॉपी कर लेना बारी बारी से। क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर फलन fx का निम्नतम मान 1 होगा तथा x बराबर 2 पर, 2 पर ही है ना, x बराबर 2 पर फलन fx का अधिकतम मान बराबर 21 होगा, और ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। बात क्लियर हुई किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो कॉपी करना है आपको ध्यान से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ध्यान क्या रखना है हमें कि जो हमारे चरम बिंदु हैं, चरम बिंदु कहाँ निकाले हमने, यहाँ निकाले। तो जो चरम बिंदु 1 था, 1/2 था, -1 नहीं था, जो चरम बिंदु नहीं होगा उसे हम अंतराल में से निकाल देंगे, जो होगा उसे हम ले लेंगे। तो 1 और 1/2 लिए, और ये एंड पॉइंट थे 0 2, तो 0 1/2, 1 और 2 पर हमें चेक करना था कि फंक्शन का अधिकतम न्यूनतम मान कहाँ मिल रहा है, और जहाँ मिलेगा वो आंसर हम इस तरीके से लिख देंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, ठीक है ना। सेम प्रोसेस, सेम काम हमें करना है, सो करते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेंगे कि माना एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है ना। फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
पर हमें क्या मिलेगा भाई, एफ डैश एक्स मिलेगा। एक्स का हो जाएगा 1 प्लस साइन का होता है कॉस, एक्स के स्थान पर एक्स लिखा। अब करेंगे 2x का चेन रूल से, क्या कर रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं। 2x से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, यानी कि फाइनली हमें मिल गया 1 प्लस 2 कॉस 2x एफ डैश एक्स। अब आपको पता हम क्या करते हैं, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए क्या करते हैं, चरम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, 1 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 कॉस 2x बराबर -1 एंड कॉस 2x बराबर -1/2। अब यहाँ से मान निकालने में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से हम किस तरीके से मान निकालें कि x बराबर हमें क्या मिलेगा। तो देखो ध्यान से कुछ नहीं करना, हमने मुख्य मान पढ़ा है 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो आप फिर से जाके उसको पढ़ें और रिविजन करें, ठीक है ना। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है ना, तो वहां से हमें पता चलेगा किस तरीके से हमें निकालना। तो एक बार आप रिविजन कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए तो देखो -1/2 हमें इधर गिवन है, तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, पहली बात तो ये, वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। 1/2 किस एंगल पे होता है, 1/2 कितने एंगल पे होता है, कॉस कॉस की टेबल में 1/2 कितने एंगल पे होता है, पाई भाई बोलो। अच्छा कैसे बोलोगे, ठीक है तो मैं लिख देता हूँ, कॉस कितने पे होता है भाई, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे बोलो। अच्छा आप कैसे बोलोगे, मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, मुझे भी पता नहीं है। तो कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस पाई बाई 3 पर, है ना, 60 डिग्री पे, बात समझ भाई, ठीक है ना। अब देखो कॉस पाई बाई 3 पर, कॉस पाई बाई 3 इस क्वाड्रेंट में होगा और यहाँ हमें मिलेगा 1/2 और नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे। कॉस को चेंज भी नहीं होना है और कॉस को इस क्वाड्रेंट में लेके भी जाना है, तो एक ही काम करना है कि कॉस आप इसको लिख दो पाई माइनस पाई बाई 3, सिंपल सी बात, कॉस चेंज भी नहीं होगा और हम सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पहुंच गए ना। इसको सॉल्व कर लो तो हमें क्या मिलेगा, कॉस 3 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि कॉस 2 पाई बाई 3। तो आपने क्या किया, -1/2 का वैल्यू निकाला कॉस के रूप में, -1/2 का वैल्यू निकाला किसके रूप में, कॉस के रूप में। तो आप इस -1/2 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कॉस 2 पाई बाई 3। तो हम लिखेंगे कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, बात समझ में आ रही है ना। किस तरीके से निकाला कि -1/2 सबसे पहले कॉस था इधर, अब इधर भी हमें कॉस लेके आना है, तो हमने क्या सोचा कि कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, हमने गुणा लगाया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि 1/2 सिंपल, -1/2 नहीं, सिंपल 1/2 कहाँ होता है, तो कॉस पाई बाई 3 पे होता है, और कॉस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इस एंगल को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊं तो कैसे जाऊंगा, मैं पाई माइनस करके जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पाई बाई 2 प्लस करके गया, पाई बाई 2 प्लस करके गया, तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि पाई माइनस किया, पाई माइनस यहां से जाएंगे फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा, ठीक है ना, क्या लिखा, पाई माइनस पाई बाई 3। इस पाई बाई 3 को हम क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख रहे हैं। तो हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3, यानी कि -1/2 का वैल्यू कितना हो गया, कॉस 2 पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट से। हम थर्ड क्वाड्रेंट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, मुख्य मान चाहिए जो मतलब पहले हमें मिल जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मिल गया, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे ही नहीं। निकाल तो सकते हैं लेकिन हमें यहाँ से वैल्यू नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट से मिल जाएगी, अगर सेकंड क्वाड्रेंट से ही मिल जाएगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम नहीं जाएंगे। तो इतना हमें लिखा। अब देखो कॉस से कॉस बराबर है तो 2x बराबर होगा 2π/3 के, कॉस कॉस बराबर है तो 2x किसके बराबर होगा, 2π/3 के, और सिंपली 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया π/3। ये आपके पास आ गया एक चरम बिंदु, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। एक चरम बिंदु ये आ गया और दो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 और 2π, तो इन पर हमें चेक करना है। किस पे चेक करना है हमें, x बराबर 0 पर, x बराबर π/3 पर और x बराबर 2π पर हमें चेक करना होगा फंक्शन का, फलन का अधिकतम और निम्नतम मान हमें क्या मिलेगा। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले चेक करेंगे, x बराबर 0 पर मिलेगा हमें f0, फंक्शन क्या है भाई, अंडरलाइन कर रहे हैं,
ये है अंडरलाइन। अब देखो एक्स बराबर जीरो, एक्स के स्थान पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस साइन क्या मिलेगा, जीरो, और जीरो तो जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये जीरो मिल गया। अब निकालेंगे हम एक्स बराबर पाई बाई थ्री पर, तो एफ पाई बाई थ्री लिखेंगे इसको, एक्स के स्थान पे पाई बाई थ्री लिखना है प्लस साइन, ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री। अब सर इसको सॉल्व करना और बता दो बस, फिर तो हम सारे काम कर लेंगे। चलो बेटा बता देते हैं, अब देखो साइन टू पाई बाई थ्री का वैल्यू हमें निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो वही प्रोसेस करना, उल्टा करना है इस समय पे। अब मैं टू पाई बाई थ्री को क्या लिख सकता हूँ, तो थ्री का भाग दो, थ्री का भाग जाएगा टू में, नहीं जाएगा तो हमने लिख दिया पाई, यानी कि वन लिख दिया हमने, मतलब मान लो वन बार गया, फिर पाई माइनस क्या कर दो इसमें से, पाई बाई थ्री कर दो, पाई माइनस क्या कर दो, पाई बाई थ्री। अभी जो सॉल्व करोगे आप, आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा टू पाई बाई थ्री, ठीक है ना, थ्री पाई माइनस वन यानी कि टू पाई बाई थ्री, तो यही मिल गया। अब साइन पाई माइनस छीटा, साइन पाई माइनस छीटा, ठीक है, साइन पाई माइनस छीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि ये हमें मिल गया साइन पाई बाई थ्री, और साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट तीन बटे दो। तो हमारा काम खत्म हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया भाई, फाइनली अंडर रूट तीन बटे दो आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई बाई थ्री प्लस अंडर रूट तीन बटे दो। सर बताया तो है आपने लेकिन समझ में नहीं आया, तो फिर से समझेंगे। हमने टू पाई बाई थ्री लिखा, अब देखो टू पाई बाई थ्री में हमने थ्री का भाग दिया तो नहीं जा रहा, टू में थ्री का भाग नहीं जाता है, तो हमने मान लिया कि एक बार गया, और एक को हम लिख रहे हैं पाई, जा नहीं रहा था लेकिन हमने लिखा पाई, अगर नहीं जाता है तो हम माइनस लगाते हैं, और माइनस लगा के क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, तो टू पाई बाई थ्री को ले सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई थ्री। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंने लिखा इसको फाइव पाई बाई थ्री, कितना लिखा, फाइव पाई बाई थ्री, तो भाग जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो क्या लिख दिया मैंने इसको, पाई लिख दिया, फिर मुझे प्लस करना होगा इस समय पर, समझ में बात, सॉरी फाइव नहीं फोर लो इसको, फोर पाई बाई थ्री, ठीक है ना। तो अब तीन का भाग दिया चार में, कितनी बार गया, एक बार, कितना बच गया, एक बच गया, तो प्लस कर देंगे क्योंकि भाग चला गया, इसलिए प्लस कर देंगे, कितना लिख देंगे, पाई बाई थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, फोर पाई बाई थ्री। तो इस तरीके से हम इनको चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव कब लगता है, जब भाग नहीं जाता है, और जब भाग चला जाता है तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इतना आप समझो ना, सिंपल सिंपल हम समझ रहे हैं। तो टू पाई बाई थ्री को हमने क्या लिखा, पाई माइनस पाई बाई थ्री, अब साइन पाई माइनस थीटा, क्या कह रहे हैं, इसकी साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है, ये तो बताया था आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं पाई माइनस थीटा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को साइन, अब पाई पे चेंज नहीं होता है तो साइन, और थीटा मतलब थीटा जो एंगल है, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो तो फिर हमारे पास क्या मिल गया, साइन पाई बाई थ्री मिला, और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट तीन बटे दो। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। सर अभी भी नहीं आया, तो बेटा पूछ लेंगे, है ना, फोन करके, कैसे भी, जैसे आप चाहो। चलो तो अब निकालेंगे हम कहां पर, x बराबर टू पाई पर, किसका मान, f टू पाई का मान, f टू पाई का मान रखो, x के स्थान पे टू पाई रखा, प्लस साइन टू इंटू, क्या लिखेंगे, टू इंटू टू पाई, यानी कि ये हमें मिल गया टू पाई प्लस साइन फोर पाई f टू पाई। तो f टू पाई का मान फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, टू पाई मिल जाएगा, और इसका मान होता है जीरो। देखो समझो कैसे हो गया, साइन जीरो पे जीरो, साइन पाई पे जीरो, टू पाई पे जीरो, थ्री पाई पे जीरो, तो फोर पाई पे भी कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। साइन एक्स बराबर जीरो होता है, इसका मैंने जनरल वैल्यू आपको बताया था, क्या बताया था, जनरल वैल्यू क्या बताया था, कि साइन जीरो जीरो होता है कब, जब एक्स बराबर हमारे पास क्या हो, एन पाई हो, प्लस माइनस एन पाई, और एन पाई यानी एन का वैल्यू, और एन बिलोंग्स टू क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड है, है ना, प्लस भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमने रखा वन रखा तो पाई पे जीरो, टू रखा तो टू पाई पे जीरो, थ्री रखा तो थ्री पाई पे जीरो, फोर रखा तो फोर पाई पे जीरो, फाइव रखा तो फाइव पाई पे जीरो, सिक्स रखा तो सिक्स पाई पे जीरो, हमने हंड्रेड रखा तो हंड्रेड पाई पे भी क्या हुआ, साइन जीरो हुआ। तो इस तरीके से हमने फोर पाई का वैल्यू निकाल दिया। चलो बच्चे होशियार हैं, ये तो जानते हैं। तो अब हमें लिखना है कहाँ पर निम्नतम, कहाँ पर अधिकतम मान मिला, है ना, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू जो छोटी है। तो क्या लिखा कि फलन फलन x बराबर x बराबर x बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स का निम्नतम मान बराबर जीरो होगा, तथा
एक्स बराबर टू पाई पर फलन एफ एक्स का अधिकतम मान बराबर कितना होगा? टू पाई होगा। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चरम बिंदु पर चेक करना है और जो इस अंतराल के अंतिम बिंदु हैं 0 और 2π उन पे चेक करना है, बस बात खत्म। और वहां से आप देख लो कहां पर मैक्सिमम कहां पे निम्नम मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलती है वहां पे हम निकाल देंगे, उस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, बिल्कुल सिमिलर और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा पहले आप इसे कॉपी नहीं करोगे, कॉपी कहां से करोगे, किया ही नहीं, तो मैं चाहूंगा पहले आप इसे खुद से करोगे, ठीक है ना, उसके बाद ही यहाँ देखोगे, अगर नहीं होता है तो। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा ना, जैसा हमने पहले किया है वैसे ही करते जाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 3 माइनस 18x² प्लस 96x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 18 दुना 36x प्लस 96, ये हमें मिला चरम बिंदु के लिए। सेम प्रोसेस चरम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 हम रखते हैं, तो 3x² माइनस 36x प्लस 96 इक्वल टू 0 मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाला, x² माइनस 1 2x प्लस 9 3 दूनी 6 प्लस सॉरी इक्वल टू 0, 3 चला जाएगा 0 में, यानी कि हमें मिल गया x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो ऐसे कोई नंबर जिनका मल्टीप्लाई हम करें तो हमें मिलेगा 32x² और उनका सम करें तो हमें मिले माइनस का 12x, तो उससे हमें फैक्टर्स करने हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, 8 और 4 12 हो गए माइनस के, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अचक 32 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो मिलेगा x माइनस 8, माइनस 4 कॉमन लिया तो मिलेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 4 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। तो x बराबर यहां से मिलेगा हमें 4, x बराबर यहां से मिलेगा हमें 8, क्या मिल गया भाई 8 मिल गया, ठीक है ना। तो अब हमें चरम बिंदुओं पर अच्छा अंतराल नहीं लिखा, सॉरी अंतराल लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका जो इंटरवल है वो हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0,9, ठीक है ना। तो अच्छा 4 भी इसके अंदर है और 8 भी इसके अंदर है, तो हमें 4 पॉइंट्स मिले 0, 9, 4, 8, तो इन सभी पर हमें इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है कितना होगा, ठीक है ना। तो किस पर निकालना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 4 पर, x बराबर 8 पर और x बराबर 9 पर। तो ये काम आप कर लोगे, एफ 0 का वैल्यू निकालोगे, एफ 4 का वैल्यू निकालोगे, एफ 8 का वैल्यू निकालोगे और एफ 9 का वैल्यू निकालोगे, और इनमें से आप चेक करोगे कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, उसके हिसाब से आप आंसर पुट कर दोगे, ठीक है ना। सो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न फलनों के चरम मान याद कीजिए और फर्स्ट हमें फंक्शन दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिख लोगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है ना। फिर एफ एक्स बराबर आप लिखोगे साइन एक्स और कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हो, देखो आप डायरेक्ट यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर सिंपल करना चाहें इसको तो कॉस 2x को भी हम साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं, और किस तरीके से 1 - 2 sin² x करते हुए फाइनली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस 2 sin³, ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे, चरम मान निकालने हैं, है ना, कहाँ पर मतलब वही प्रोसेस करना है, एफ एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, चरम बिंदु निकालने हैं, और चरम बिंदुओं को हम रखेंगे एफ डबल डैश एक्स में और चेक करेंगे कहाँ पर उसका वैल्यू हमें पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव मिलता है। जहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा वो निम्निष्ट बिंदु होगा, जहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा वो हमारा निम्निष्ट बिंदु होगा। फिर निम्निष्ट मान और उच्चिष्ट मान हम निकाल सकते हैं फंक्शन में वैल्यू पुट करके, इतनी बात हमारे समझ में आई, ठीक है ना। सो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष सिमिलर क्वेश्चंस हैं सारे, आपको एक ही काम करना है, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, f डैश x साइन का होता है cos x माइनस टू इंटू पावर आगे आ जाएगा, एक पावर हो जाएगा कम, और साइन का होता है cos x, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया cos x माइनस सिक्स साइन स्क्वायर x इंटू cos x, ये हमें हमारे पास आ गया f डैश x। अब हम निकालेंगे f डबल डैश x, ये तो था हमारा एफ एक्स, अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा f डबल डैश x। तो वापस डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, या फिर आप लिख लो पहले पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा हमें, f डबल डैश x मिल जाएगा। cos x का होता है माइनस साइन x माइनस सिक्स, इसमें आप लगाओगे u इंटू v वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर x को हमने ऐसे रखा और cos x का कर दिया, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस, फिर आपने cos x को ऐसे ही रखा इंटू साइन स्क्वायर x का करेंगे तो सबसे पहले पावर का हो जाएगा तो 2 साइन x, साइन x का हो जाएगा cos x। बात समझ में आई। तो f डबल डैश x हमें क्या मिल गया, माइनस साइन x माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो माइनस का साइन का पावर 3 मिलेगा, माइनस साइन क्यूब x, और माइनस इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा प्लस, तो प्लस 6 साइन क्यूब x ऐसा, ठीक है ना। फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या मिल जाएगा, माइनस के 12 6 दूना 12 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x, देखो ध्यान से साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x, तो ये हमारे पास आ गया f डबल डैश x। फिर हम क्या निकालेंगे, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए क्या करते हैं भाई, f डैश x बराबर 0 पुट करते हैं, और f डैश x क्या है हमारे पास, cos x माइनस 6 sin स्क्वायर x इंटू cos x इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे तो cos x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से दो बातें सामने आई, वो दोनों बातें मैं इधर लिख रहा हूँ, दो बातें सामने आई, पहली बात कि cos x बराबर 0 होगा, दूसरी बात 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होगा, 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बस नहीं, ठीक है ना। अब देखो cos x बराबर 0 है, इसका मतलब cos x 0 कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो होता है पाई बाई 2 पे, एक होता है 3 पाई बाई 2 पे। हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, हमने बात की थी मुख्य मान की, मुख्य मान दो होते हैं, तो उसी तरह से हमने निकाला पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, दो मान आ गए यहां से भी हमें दो मान मिलेंगे, तो 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिला हमें, 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 मिला, यानी कि sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 बाई 6 मिला, इसका मतलब sin x इक्वल टू क्या मिला हमें, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 मिला। तो x के दो मान आ गए, प्लस माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बात समझ में आई, ठीक है ना। सो अब हमें चेक करना है कि इन चरम बिंदुओं पर हमें f डबल डैश x का मान पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है। तो सबसे पहली बात हम निकाल रहे हैं x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर f डबल डैश पाई बाई 2 हमें क्या मिलेगा, तो वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है ना, प्लस 6 साइन पाई बाई 2 का होल पावर 3, ठीक है, माइनस 12 साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, चेक करो, माइनस 12 साइन पाई बाई 2 cos pi by 2 का होल स्क्वायर लिखा। अब sin pi by 2, sin 90 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 1 का पावर 3 यानी कि 1 माइनस 12 इंटू 1, और cos pi by 2 होता है 0। तो देखो ध्यान से f डबल डैश pi by 2 कितना, f डबल डैश पाई बाई 2 का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस 1 प्लस 6, माइनस 1 प्लस 6 ये तो हो गया 0 पूरा ही, तो इक्वल टू 5 मिला। इसका मतलब f डबल डैश पाई बाई 2 हमें क्या मिल गया भाई, ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो क्या बोलेंगे कि x बराबर, क्या बोलेंगे, x बराबर
पाई बाई टू पर एफ डबल डैश एक्स का मान धनात्मक है, अतः एक्स बराबर पाई बाई टू कैसा बिंदु होगा? निम्निष्ट बिंदु होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा तथा निम्निष्ट मान, तथा निम्निष्ट मान, ठीक है ना? थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, लिखने में बोलने में परफेक्ट। चलो, तथा निम्निष्ट मान कैसे निकालेंगे कि फंक्शन में आप क्या रख दो? पाई बाई टू रख दो। फंक्शन में क्या रख दो? पाई बाई टू। जो बिंदु है ये बिंदु उठा के रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, और तो क्या मिलेगा हमें? साइन पाई बाई टू इंटू कॉस टू इंटू पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट, तो फाइनली साइन पाई बाई टू होता है वन, और कॉस पाई कॉस जीरो वन, कॉस पाई माइनस वन, तो माइनस वन मिला। यानी कि एफ पाई बाई टू का हमें वैल्यू कितना मिल गया भाई? माइनस वन मिल गया। और ये एक्स बराबर पाई बाई टू एक निम्निष्ट बिंदु है, और निम्निष्ट मान उस बिंदु पर हमें कितना मिला? माइनस वन मिला। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना? इसी तरीके से हम थ्री पाई बाई टू पर चेक करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे इन पॉइंट्स पर। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, आप ध्यान से कॉपी करना है इसको। तो लिख रहे हैं एक्स बराबर कितने पर? थ्री पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर। तो क्या लिखेंगे? एफ डबल डैश थ्री पाई बाई टू, वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थ्री पाई बाई टू प्लस सिक्स साइन थ्री पाई बाई टू का होल पावर थ्री, ठीक है ना? माइनस ट्वेल्व साइन थ्री पाई बाई टू इंटू कॉस थ्री पाई बाई टू। तो अब हमें निकालना होगा कि साइन थ्री पाई बाई टू और कॉस थ्री पाई बाई टू का वैल्यू होता क्या है। तो देखो किस तरीके निकालेंगे, हमें निकालना है साइन थ्री पाई बाई टू एंड कॉस थ्री पाई बाई टू। अब देखो बहुत सिंपल है ये, तो आपको पता है ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, और ये हो जाएगा आपका टू पाई बाई टू, है ना? टू पाई बाई टू कितना हो गया वापस? टू से टू कैंसिल आउट, पाई होगा, तो ये आपको पता पाई होता है, और ये हो जाएगा इस तरीके से आपके पास थ्री पाई बाई टू। बात सुन में? तो यहाँ पर साइन होता है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन होता है नेगेटिव, यहाँ पे कॉस होता है नेगेटिव, यहाँ पे कॉस होता है पॉजिटिव, उस तरीके से मान निकाल सकते हैं। तो देखो कॉस पाई बाई टू कितना होता है भाई? कॉस पाई बाई टू जीरो, तो कॉस थ्री पाई बाई टू भी कितना? जीरो, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया जीरो। और साइन पाई बाई टू कितना होता है? वन, तो साइन थ्री पाई बाई टू कितना हो जाएगा? माइनस वन। तो सिंपल है वैल्यू निकालना, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब डायरेक्टली हम साइन थ्री पाई बाई टू इक्वल टू माइनस वन और कॉस थ्री पाई बाई टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है ना? ये आपको बता दिया हमने किस तरीके से निकालना है। तो सिंपली एफ डबल डैश टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स इंटू माइनस वन का पावर थ्री माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस वन इंटू जीरो, ठीक है ना? तो ये बन गया वन माइनस, ये बन जाएगा सिक्स, और ये गया जीरो में, यहाँ से मिल गया हमें माइनस फाइव। तो क्या बोलेंगे? एफ डबल डैश टू पाई बाई थ्री जो है वो हमें लेस देन जीरो मिलेगा। तो बोलेंगे एक्स बराबर कितने पर? एक्स बराबर, अतः एक्स बराबर टू पाई बाई सॉरी थ्री पाई बाई टू पर एफ डबल डैक्स का मान ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, अतः फिर इसलिए एक्स बराबर थ्री पाई बाई टू, एक्स बराबर थ्री पाई बाई टू उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा तथा उच्चिष्ट मान, तथा उच्चिष्ट मान हम लिख रहे हैं क्या होगा। तो फंक्शन में क्या रखना है हमें? थ्री पाई बाई टू पुट करना है, तो ये हो जाएगा साइन थ्री पाई बाई टू इंटू कॉस टू इंटू थ्री पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट, साइन थ्री पाई बाई टू कितना हो जाएगा? माइनस वन, और कॉस थ्री पाई, अब देखो ध्यान से, ये जीरो, ये पाई, ये टू पाई, और ये हो गया आपका थ्री पाई, ठीक है ना? कॉस जीरो वन, कॉस थ्री पाई कितना हो गया? माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन। बात समझ में आई? तो फाइनली एफ थ्री पाई बाई टू आपको कितना मिल जाएगा? वन मिल जाएगा।
और ये आपका हो जाएगा उच्चिष्ठ मान, ठीक है ना। ये तो था निम्निष्ठ मान, ये था उच्चिष्ठ मान। इसके बाद हम निकालेंगे x इज इक्वल टू किस पर, कहाँ है वैल्यू इस पर, x बराबर प्लस साइन इनवर्स पाई बाई 6 पर और x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स पाई 1 अपॉन अंडर रूट 6 पर, ठीक है ना। तो उससे पहले कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद सॉल्व करते हैं, कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे x बराबर प्लस माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 पर हमें फंक्शन का मान निम्निष्ट मिलता है, उच्चिष्ठ मिलता है, ठीक है ना। उससे पहले हमने अभी निकाला था यहाँ पर f डबल डैश x, ठीक है ना। और f डबल डैश x में हमने गलती से 2π/3 लिखा, आप उसको 3π/2 करोगे, कितना 3π/2, ठीक है ना। हमने उसको क्या लिखा, 2π/3, ठीक है ना, 2π/3 हमने गलती से लिखा, उसको आप 3π/2 लिख लोगे। चलो तो x का मान प्लस माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 रखते हैं और देखते हैं कि फंक्शन हमें क्या मिलता है, उच्चिष्ठ मिलता है या निम्निष्ठ मिलता है। तो x बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 पर, तो f डैश f डबल डैश x में मुझे रखना है, तो f डबल डैश x सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा इसको माइनस साइन x प्लस 6 साइन क्यू एक्स, ठीक है ना, माइनस 12 साइन x और कॉस स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। मैंने इन सबको साइन में चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर x को हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब हम पुट करेंगे f डबल डैश साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 6 साइन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 का होल पावर 3 माइनस 12 साइन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 1 माइनस साइन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। बस भाई एक बार चेक करेंगे कैमरे में, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा, बात समझ में। चलो तो देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही है। तो ये मिलेगा एफ डबल डैश साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो साइन साइन हटेगा, क्या बच गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस 6 रहेगा और 1 अपॉन रूट 6 का होल पावर 3, यानी कि 1 अपॉन 6 अंडर रूट 6 मिला। होल पावर 3 खोलेंगे तो 1 अपॉन रूट 6 का होल पावर 3 खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 6 अंडर रूट 6 माइनस 12 1 अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 6 हमें मिलेगा, क्योंकि 1 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा उधर, ठीक है। तो इस तरीके से सब हम खोलेंगे, 6 से यहाँ 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 6 से 1 अपॉन रूट 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ डबल डैश साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 में क्या मिलेगा हमें, यहाँ तक कैंसिल आउट, ये मिल गया माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 1 5/6, ठीक है ना, और 6 1 6 6 2 12, तो ये हमें मिल गया माइनस 10 अपॉन अंडर रूट 6। इसका मतलब कि एफ डबल डैश साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 हमें लेस देन 0 मिला। क्या मिला भाई, लेस देन 0 लिखेंगे, चूंकि एफ डबल डैश एक्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 पर एफ डबल डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, इसलिए एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 उच्चिष्ठ बिंदु होगा, उच्चिष्ठ बिंदु होगा तथा उच्चिष्ठ मान, तथा उच्चिष्ठ मान, अच्छा उच्चिष्ठ मान हम निकाल रहे हैं, तथा उच्चिष्ठ मान क्या होगा। तो फंक्शन में क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6, तो फंक्शन क्या है हमारा, ये रहा, तो रखो इसमें साइन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस कितना, 2 इंटू 2 इंटू साइन साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 6 का होल पावर कितना, 3, तो ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 6 अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6 का होल पावर कितना खुलेगा, 3 खुलेगा, क्योंकि साइन साइन इनवर्स हट रहा है ना, तो क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 6 उसका पावर होल पावर 3, तो क्या मिला 1 अपॉन 6 अंडर रूट 6, ठीक है। तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 1 अपॉन अंडर रूट 6 दोनों में ही कॉमन आ रहा है,
तो 1/√6 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा इधर 1, इधर बचेगा 1/3, और ये हो जाएगा 2/3। तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 1/√6 इंटू 2/3, या फिर से कहो 2/3√6। तो ये हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा इस बिंदु पर, बात समझ भाई? ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम x बराबर माइनस साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/√6 पुट करेंगे, ठीक है ना? तो इसी तरीके से पुट करना है। अब देखो मैं इसको, इस वाली बात को मैं यही सॉल्व करूंगा इसी में ही, तो आप थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके रफ कॉपी कर लेंगे इसको। तो ये मिटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब देखो मैं रखूंगा माइनस साइन इनवर्स, क्या रखेंगे हम, माइनस साइन इनवर्स, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना? अब देखो माइनस साइन थीटा क्या कह रहे हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा होता है। अब तो इसमें भी इसी तरीके से दे रखा है कि साइन माइनस ये पूरा थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, इसमें से माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, इसमें से माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये मैंने इसमें करेक्शन किया, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर साइन, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता, तो यहाँ क्या बच गया 1/√6, यहाँ क्या बचेगा -6 1/6√6, ठीक है, यहाँ बचेगा +12 इंटू 1/√6, यहाँ क्या बचेगा 1+1/6 इस तरीके से। तो यहाँ 6 6 6 कैंसिल आउट, अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 12/√6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 7/6, और अगेन 6 से ये 2 टाइम्स 14/√6, इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू जो है वो क्या मिली, ग्रेटर देन 0 मिली। तो क्या लिख रहे हैं कि x बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/√6 पर f डबल डैश x का मान धनात्मक हो, क्या है, धनात्मक है, इसलिए x बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/√6 पर निम्निष्ट बिंदु होगा, क्या होगा भाई, निम्निष्ट बिंदु होगा तथा निम्निष्ट मान, तथा निम्निष्ट मान क्या हो जाएगा, f माइनस साइन इनवर्स 1/√6 इज इक्वल टू साइन माइनस साइन इनवर्स 1/√6 माइनस 2 साइन माइनस साइन 1/√6 का होल पावर 3। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन से साइन हटेगा तो 1/√6 बचा, माइनस साइन 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर माइनस 1/3 मिलेगा, ये माइनस है ना, माइनस पहले बाहर ले लो तो पावर के साथ बाहर आएगा, तो मतलब माइनस 1/3 कितना मिला हमें, माइनस 1 ही मिला, तो माइनस बाहर आएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा प्लस, बात समझ आ रही है ना, ये 2 बचा और 1/6 का होल पावर 3 खोल रहे हैं तो 1/6√6 मिलेगा, 2 से ये अगेन 3 टाइम्स, अब 1/√6 अभी भी कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा 1/3, इधर बचेगा -1, ठीक है ना, इन दोनों में से मैंने 1/√6 कॉमन लिया, उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा 1/3 बचेगा, और यहाँ बचेगा -1, ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा माइनस के 2/3, तो -2/3√6, ये हमें निम्निष्ट मान मिलेगा इस बिंदु पर, माइनस साइन इनवर्स 1/√6, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब कॉपी करेंगे इसको।